स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड पंचनामा में। चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या गाना गाते हो वाह। अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये कौन सी फिल्म का है। अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ, ये फिल्म है हाफ टिकट, जिसकी रीमेक के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। हाफ टिकट साल 1962 में रिलीज हुई एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था कालिदास ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था बॉम्बे टॉकीज ने। फिल्म की कहानी लिखी थी सुरीत खर ने। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक दिया था सलील चौधरी ने। इस फिल्म के कई गाने बेहद ही पॉपुलर हुए थे, जैसे चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए और चांद रात तुम हो साथ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने उस समय बॉक्स ऑफिस में 1 करोड़ की कमाई की थी, जो आज के समय में लगभग 120 करोड़ है। फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे किशोर कुमार विजय के किरदार में, खूबसूरत मधुबाला रजनी देवी के किरदार में, प्राण राज बाबू के किरदार में, शमी लिली के किरदार में, मनोरमा रजनी देवी की आंटी के किरदार में। दोस्तों अब हम आते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म की कहानी है विजय की, जो एकदम नाकाम नाकारा नालायक इंसान है और अपने बाप से तंग आ चुका है, जो उसके पीछे पड़ा हुआ है उसकी शादी करवाने के लिए, जिसके कारण विजय घर छोड़कर मुंबई आना चाहता है। पर मुंबई आने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, जिसके लिए वो छोटा बच्चा होने का नाटक करता है ताकि वो हाफ टिकट में ट्रेन में ट्रैवल कर सके। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है राजा बाबू से, जो एक डायमंड चोर है। राजा बाबू विजय का इस्तेमाल करता है डायमंड स्मगलिंग में, जिसके बाद पुलिस विजय के पीछे लग जाती है। मुंबई तक की ट्रेन की जर्नी में उसकी मुलाकात होती है रजनी देवी से, जिसे वो अपना दिल दे बैठता है। बाकी फिल्म की कहानी है कैसे विजय रजनी देवी का दिल जीतने में कामयाब होता है और राजा बाबू और पुलिस से बचता है। फिल्म के अंत में विजय और उसके पिता एक हो जाते हैं। तो ये थी फिल्म की कहानी। दोस्तों अगर फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस रीमेक की कहानी को आज के दौर से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच जरूर दिया जा सकता है, साथ ही क्लाइमैक्स में ढेर सारे फेरबदल हो सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फिल्म का गाना सीधी लगी का फीमेल वॉइस लता मंगेशकर गाने वाली थी, पर किसी कारणवश गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान वो नहीं आ पाई, जिसके बाद किशोर कुमार को आइडिया आया। उन्होंने ये गाना फीमेल और मेल दोनों वॉइस में गाया, जो काफी पॉपुलर और फनी हुआ। ये करने के लिए किशोर कुमार को फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी को काफी कन्विंस करना पड़ा। किशोर कुमार ये फिल्म नहीं करना चाहते थे, जिसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने एक तरकीब आजमाई। उन्होंने इनकम टैक्स को कंप्लेन किया कि किशोर कुमार अपना टैक्स नहीं भर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब फिल्म के डायरेक्टर कालिदास किशोर कुमार के घर पर गए, तो किशोर कुमार ने उन्हें एक रूम में बंद कर दिया और 1 घंटे के बाद ओपन किया, जिसके बाद किशोर कुमार ने कालिदास से कहा कि कालिदास को उसके बाद किशोर कुमार के घर पर एंट्री नहीं है। पर किशोर कुमार ने कालिदास की फिल्म हाफ टिकट कंप्लीट की और इस फिल्म के लिए गाना भी गाया। इस फिल्म में किशोर कुमार की स्वर्गवासी माँ नजर आती है एक फोटो फ्रेम में। 2020 में फिल्म हाफ टिकट को द इंडियन एक्सप्रेस ने 10 बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज टू वॉच इन योर लाइफ टाइम में शामिल किया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों हम ये मानते हैं अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस रीमेक में किशोर कुमार का किरदार निभा सकते हैं आयुष्मान खुराना, जो माने जाते हैं ऐसे ऑफ बीट कॉमेडी फिल्मों के लिए। वहीं मधुबाला का फनी पर बेहद ही खूबसूरत किरदार निभा सकती है रश्मिका मंदाना, जो इस किरदार के लिए बेहतरीन रहेगी और इस फिल्म से वो अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर सकती है। वहीं प्राण के इंटेंस किरदार में नजर आ सकते हैं मनोज बाजपेयी। शमी का फनी किरदार निभा सकती है जेमी लीवर, जो इस किरदार में काफी फनी रहेगी और मनोरमा के किरदार में नजर आ सकती है अर्चना पुरन सिंह। फिल्म के अन्य किरदारों में कुछ नए पुराने चेहरे नजर आ सकते हैं। ये सभी एक्टर्स आज के जमाने में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। इस फिल्म की रीमेक में ओरिजिनल फिल्म के कुछ गाने के रीमिक्स को भी सुना जा सकता है। इस रीमेक को अगर अनीस बासमी डायरेक्ट करे तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप, और आने वाले वीडियोस में आप किस फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे? आपके विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।